नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं आज डबुआ कॉलोनी। आपको बता दें एक बड़ा मामला, डबुआ कॉलोनी में एक आकाश नाम के लड़के की हत्या कर दी गई कंपनी में। लगभग दो तीन दिन पहले उसके साथ कुछ हाथापाई हुई थी और आज उसकी मृत्यु हो गई। ये देख सकते हैं परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं। डबुआ कॉलोनी का मामला है, ये देखें पूरी गली यहाँ पर भरी हुई है। क्या हो गया था भाई जी? ये देखें एक परिवार से लोग हैं यहाँ पर, जानेंगे कि क्या हुआ था कैसे। ये देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि किस तरह से। माता जी क्या नाम था लड़के का? है? लड़के का क्या नाम था? हमें लला नहीं पता। हम क्या क्या नाम? आकाश। आकाश आकाश। कितनी उम्र? 14 साल का था। कहाँ काम करता? पाली में करता था। कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम कब से कर रहा था? 1.5 साल से हो गए इसको काम करते करते। तो अब ये कब की घटना है? ये परसों 29 तारीख की है ये। हाँ, सुबह 9 बजे गया है, फोन करके मालिक ने बुलाया है और शाम को 6 बजे इन्हें गेट बंद करके मारा है। इसका एक चाचा काम करता था, उसको भगा दिया वहाँ से कंपनी से। आकाश का चाचा भी? हाँ, चाचा काम करता था बगल में ही, उसको भगा दिया था और 6 बजे शाम को मारा था। हम लोगों ने कोई खबर नहीं थी, ये खबर चली थी कि उसके डाई गिर गई है पैर पे और डाई गिर के पैर चोट आ गई है बस। और 11 बजे फोन आया कि उसका सिर फट गया है सिर, और न किसी को दिखाया है, न किसी को कुछ चेहरा वेरा कुछ नहीं दिखाया है। अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ लेके घूमे और गए और कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। इलाज किसी ने करा ही नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साथ में कोई नहीं है। कंपनी वाला ही पता नहीं कहाँ लेके गया, कहाँ नहीं लेके आ गया, पता ही नहीं है, कुछ नहीं है। प्राइवेट में लेके जाना, घूम रहा है नहीं घूम रहा है, अपने घर पर रखा है, कोई पता नहीं है। हम लोग उनको जब पता पड़ी है ना, तब मालिक समझ लो सफदरजी ने रेफर कर दिया, यही नहीं मालूम सफदरजी ने। मालिक ना फोन करो मेरी में भैया बैठो, मालिक ना फोन करो मेरे भैया कहाँ जा रहा हूँ मैं, कंपनी जा रहा हूँ। मालिक फोन कर रहा हूँ काम के लिए फोन कर रहा हूँ मैंने, आज मत जाओ कल के रक्षाबंधन है के नाम है। मालिक फोन कर रहा है मैं जाऊंगा कंपनी जाऊंगा मैं, मालिक किसी आ रहा हूँ फोन कर रहा हूँ, मालिक गुस्सा है रहा है मैं कंपनी में जाऊंगा, मालिक गुस्सा है रहा हूँ मैं कंपनी में जाऊंगा। 29 तारीख की बात है, मैंने कहा आज मत जाओ भैया काम पे, मैं मालिक गुस्सा है रहा हूँ, मालिक में पैसा नहीं दे रहे गो, मालिक गुस्सा है रहा है मैं कंपनी जा रहा हूँ, मैं भैया पूरे दिन काम करवाए पता लगा। मैं हमें पता पड़ी शाम को 11 बजे रात के, जब तक खत्म हो चुका है। हमें मालूम ही नहीं, पता नहीं कहाँ 5 नंबर था, कौन सा हॉस्पिटल, उसका यार का दोस्त का था हॉस्पिटल। हाँ, उनने इलाज कुछ नहीं किया, वहीं से सीधे सफदरजी कर दिया है सीधा। हम सामने तक गयो मैं भैया, मैं आगन के सामने तक गयो, मैं कंपनी आ रहा हूँ, मालिक का फोन आ रहा हुआ है, मैंने कि आज मत जावे भैया, मैंने कल रक्षाबंधन है, मैंने मत जावे ना, मालिक फोन कर रहा है, मालिक फोन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं कंपनी में जा रहा हूँ। तो मारा किसने कुछ पता नहीं लगा? कंपनी के मालिक ने मारा है, उसी के लड़के बरखर ने मारा है, मालिक ने मारा है, मालिक ने मारा है, मालिक ने मरवाया है। क्यों, कुछ तो बात हुई होगी, मैं क्या पता, मैं नहीं मालूम होगी, नहीं हम तो यही बताए नहीं कुछ बात भी हो जाए। हम तो लोग कह के गया काम पे जा रहा हूँ, हम तो लोग कह के गया काम पे जा रहा हूँ, मैं मालिक फोन कर रहा हूँ काम पे जा रहा हूँ। हमें क्या पता था संजय को मार के दब देगा मालिक को, फोन मार रहा हूँ, आवाज भी नहीं हम लोगों ने सुनने को मिली उसकी, सामने ही फोन आयो मिली, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, सीसीटीवी भी तो होगा मेरे सामने। फोन आयो मालिक का नाम तो नहीं पता, क्या नाम है मालिक का? जितेंद्र नाम है, अभी कंपनी का भी नहीं पता मैम। तो आप देख सकते हैं, और पाली में कहाँ कंपनी है कुछ पता है? कंपनी का पता है, कंपनी पाली में पता है, पीर बाबा का। लोग जब गए
कंपनी यही है तुम्हारे पाली में डबो पाली रोड पे है साक्षी टूल के नाम से कंपनी है पाली रोड सालू ढाबा के पास प्लॉट नंबर 16 मालिक का नाम है जितेंद्र। क्या बात हुई थी? कुछ तो बात हुई होगी कि जो इतना हमको नहीं पता जी क्या बात हुई है हमको नहीं पता। हमारे पास तो लोगों ने जब डैमेज कर दिया लगा जब फोन आया है तो जिस दिन ड्यूटी गया था तो उस दिन शाम को वापस नहीं वापस नहीं आया उस दिन। आप लोगों ने वहाँ पता क्या क्या कहा? पता हमें एक फोन आया था 6 बजे कि लड़के के पैर में डाई गिर के हल्की चोट लग गई है पर उसने हमें पूरा सच नहीं बताया कि लड़के के सिर में चोट लगी है। उसने पहले रौनक हॉस्पिटल में भर्ती करा उसने वहाँ से निकाल के फिर डॉक्टर 2 डे पे ले गया वहाँ पे कोई इसकी अच्छी सुविधा और जैसे इलाज नहीं हुआ था वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने जबरदस्ती करके वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे उसकी तो हमने वहाँ पे रेफर निकलवाया 112 पे कॉल निकाल करके। तो ये एक्सपायर कहाँ हुआ? डॉक्टर 2 डे पे ही हो गया। एक्सपायर सर सफदरजंगगंज में हुआ है। हाँ जी मतलब यहाँ तक सही था। हाँ वो डेड बॉडी मतलब बॉडी दे नहीं रहते। तो आपने देखा था कैसे चोट लगी है? चोट दे गया सर ये है कम से कम 6 इंच घाया है अंदर। एक बार नहीं कम से कम पाँच छः बार करें। कितनी उम्र? 16 साल है। ये परिवार है और परिवार को जब पता लगा कि किस तरह से भैया मेरे पास ही मेरे भैया बैठो। मैंने कौन को फोन आ रहा हूँ कहा जा रहा हूँ तू बजवाजी के मालिक को फोन आ रहा हूँ रोटी दरवाजे मम्मी पे। मैंने रोटी दरवाए भाई मैं रोटी लेके दे भैया मैं काम पे जा रहा हूँ मालिक गुस्सा आ रहा है। मैंने काय के लिए गुस्सा आ रहा हूँ पैसा नहीं दूंगा तू आई काम पे नहीं आया तो पैसा नहीं दूंगा मैं काम पे नहीं आया तो पैसा नहीं दूंगा। कोई साथ में काम नहीं करता था और नहीं कोई करता था मैं चाचा करते थे चाचा को निकाल दिया चाचा को निकालने के बाद ना चाचा को रखा दिया चाचा भतीजा संग संग काम करते थे देख ली मैं चाचा काम करते थे मैं चाचा ने को लगा दिया चाचा भतीजा संग संग काम करते थे चाचा भाई 15 दिन मालिक ने रखा दिया 14 दिन हुआ है तब तक जी आस्था हो गया है। इसे कितने दिन हुए चाचा को? एक महीना हुआ होगा। हाँ एक महीने बाद कर दिया 4 दिन बाद आस्था हो गया मालिक का कोई कार्डर होगा मालिक ने करवाया होगा जी काम ऐसा कहना मतलब ये फिर आकाश को कानने के बाद ना फिर दोबारा भी बुला के आता मालिक ने आकाश ये भी बोल रहा था मुझसे मालिक से मुझसे बेसबाजी हो गई है रकार दिया मालिक ने फिर बुला लिया आकाश तू आ जा भाई तेरा शाम का हो गया चाचा का चाचा अरे शांत रहो बेटा चाचा कहाँ जो काम करते थे भाई जहाँ आता होगा शाम को पुलिस में पुलिस हाँ बोलो ना क्या कर रहे हमारी सुनवाई कर हम रात हॉस्पिटल में थे दिल्ली हॉस्पिटल में सरदन हॉस्पिटल में वहाँ पे हमको पकड़ कर रही थी पुलिस मालिक आया था दो जिप्सी आई थी पुलिस की हम आते नहीं आए बनके तो आपको कैसे पता लगा कि मालिक ने मालिक खुद हमें दिखा था पुलिस भी खरीद ली उसने पैसे भर दिए पुलिस में हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपको पता कैसे लगा कि मालिक ने मारा? हो सकता किसी और से लड़ाई झगड़ा हुआ मालिक ने बुलाया क्यों बुलाया उसने तो संध्या को बता तो सकता था तेरी कंपनी कैमरे लग रहा है सब कुछ लग रहा है तुझे पता नहीं होगा एक एक मिनट के कैमरे लग रहे हैं कितना माल बन रहा है कितना नहीं बन रहा तो तुझको ये नहीं पता होगा कि इसमें क्या हो रहा है कंपनी में तो आप इसमें बैठे कैमरा देखता रहता है क्या करता रहता है वो मालिक क्या करता रहता है और पुलिस को अभी पैसे भर दिए पुलिस हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है पुलिस को पैसे भर दिए धमकाई रही है साइन करो पुलिस धमकाई रही है हम साइन करने दे रहे हैं सुनाई नहीं कर माँ बाप साइन करवा रहे थे साइन नहीं कर रही है भाई पुलिस आप लड़के की बॉडी अभी है या बॉडी मेरा भैया छोटो भैया देख सकते हैं लड़के का आधार कार्ड है बताऊंगा मैं आपको ये लड़के का आधार कार्ड है हाँ, इस लड़के की उम्र 2007 है ये देख सकते हैं 16 साल सोलह साल की उम्र है इसकी और ये जो और ये का मालिक है तो मालिक है इसने मिली भगत करके वहाँ पर खुद कंप्लेंट करवाई है जबकि कंप्लेंट इनके नाम से हुई फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इसमें धूल नजर आ रहा है कि किस तरह से कंपनी मालिक ने बुलाया उसको रक्षाबंधन से एक दिन पहले
रक्षाबंधन से एक दिन पहले बुलाया और वहाँ जाकर ऐसी वारदात होती है, उसे चोट लगती है लेकिन घर वालों को नहीं बताया जाता, उनसे कहते हैं कि उसके पैर पे डाई गिर गई है और उसको एडमिट करा देते हैं। और आज उसकी ये कब सर रोड़ी रोड बजाई है, सर की हड्डी ना चूर चूर हो गई है सर, चूर चूर हो गई सर की हड्डी, हमने खुद देखी अंकल को सामने, डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया, तुरंत ऑपरेशन नहीं करा, ऑपरेशन नहीं होगा, कोई चांस नहीं है बचने का, मालिक अपना बचना बचाव कर रहा है, बार बार पुलिस भेजता है सर्जन हॉस्पिटल में, वहाँ पे था मैं। ये देख सकते हैं फरीदाबाद बहन है, बहन को माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, नम पे रहते हैं माँ बाप। अच्छा कहाँ पे माँ बाप कहाँ? माँ बाप रहते हैं किराए पे रहते हैं यहाँ पे, जिला फिरोजाबाद है इनका। कौन से जिले के? जिला फिरोजाबाद। हाँ तो यहीं रहते हैं माँ बाप? हाँ नम पे रहते हैं। और चाचा कहाँ है, वो जो चाचा काम करते थे, एक बार चाचा को दिखाओ कहाँ है, उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं ये डेड बॉडी भी अभी आकाश की यहीं रखी है और तमाम भीड़ पूरी गली इकट्ठी हो गई है। आपको बता दें डबुआ पाली रोड पर ये जो अब पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की, चार दिन हो गए कोई FIR नहीं लिखी है, जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ से भागो। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पता ही नहीं है, पुलिस ने पैसे खा लिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मालिक को सामने यहाँ बुलाओ और ये बिचारी क्या इसकी माँ क्या करेगी, उसको हर्जा तो बेटा तो चला गया, क्या करेगी? पता भी तो लगे कि कैसे क्या बात हुई थी, क्यों मारा? माँ को सुनाई नहीं देती है, बताओ माँ क्या करेगी, माँ करेगी क्या, उसका तो जवान जवान बेटा चला गया। पता तो लगे कि आखिर बात क्या हुई थी, ऐसी क्या बात हुई जो तुमने मतलब इतना मारा? मालिक को पूछो, हमें कुछ नहीं मालूम, हमारे बच्चे को बुला के कर दिया ऐसा काम, बच्चा काम पे गया था, हमको इतना पता। हाँ 16 साल का था मेरा बेटा, मालिक का काम कर रहा था, मजबूर गरीब है भैया, गरीब मजबूरी में काम किया था, मजबूरी में मारने के लिए बुलाया, मजबूरी को करता है, अभी सामना नहीं कर रहा है, हम लोगों के सामने बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं नहीं कंपनी अगर नहीं मारता तो कंपनी क्यों बंद कर दी, क्यों तेरे बरकर भाग गए, क्यों भागे ही तेने मारा है ना, क्यों भागा है ना, सामने आता बताता कि जी ऐसे ऐसे बात मरवाया, उसको सामने लेके आना, कंपनी बंद है, बिल्कुल कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मालिक का बुला। पता तो लगे आखिर क्या? हाँ क्या बात हुई है, कैसे हुई है? आकाश ने कुछ कहा किसी से या किसी ने चोरी करी हो या और कुछ करो, हम लोगों ने बुलाते, अगर चोट लग गई तो हम लोगों ने बुलाते, हम चाहते कहाँ लेके जाते, अपनी मर्जी से क्यों लेके गया? उसकी गलती होती उसको सजा मिलती और दूसरे मिलती, तुम खुद भी कुछ इससे ज्यादा क्या सजा मिलती बताओ तुम मेरे को, है बताओ, बेटा जो जवान पट्टा चला गया उस बेचारी का माँ का क्या करेगी माँ, बताओ तुम पहले। कितने बच्चे थे? तीन बच्चे थे, दो तो एक तो पागल है, एक दारू पीता है, बस यही था 16 साल का, सही था तभी 16 साल की उम्र में, 16 साल का था बस, और ये भी जबरदस्ती बुलाया, उसे तुम जा ही नहीं रहा था, वो नहीं जाएंगे वो रक्षाबंधन से पहले ही। हाँ रक्षाबंधन से पहले ही बात है, रागी भी ना बांध पाई भैया, मैंने बड़ी दुखद घटना है, एक बहन है जो रो रो कर अपने भाई की मौत का इंसाफ मांग रही है कि किस तरह से उसने रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही ऐसे भाई की मौत हो जाती है और राखी भी नहीं बांध पाई अपने भाई को, और अभी बॉडी जो है आकाश की बॉडी नहीं रखी है, ये गांव कहाँ है, मालिक को बुलाओ, मालिक भाग गया है, मालिक ने कंपनी को बंद कर दी, भैया दे सकते हैं, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई है फरीदाबाद, बड़ी दुखद घटना, नाबालिग लड़का 16 साल महज 16 साल की उम्र इसकी आकाश की, और एक कंपनी मालिक का आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी मालिक ने उसे मार दिया, रक्षाबंधन से पहले उसे फोन करके बुलाया था और पता नहीं ऐसा क्या हुआ वहाँ जिससे उसके सिर में चोट लगी है, जैसा बता रहे हैं रोड मारी है, और ये तो जांच का विषय है क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो बाद में पुलिस जांच में पता लगेगा कि आखिर कैसे आकाश की मृत्यु हुई, लेकिन पूरा परिवार यहाँ आप देख सकते हैं रो रो कर, बुरा हाल है बहन का, बहन किस तरह रो रही है, पागल हो गई है,
क्योंकि बहन को दुख है उस रक्षाबंधन पे, उसने अपने भाई को राखी भी नहीं बांध पाई और इस बहन की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से। फरीदाबाद तमाम लोग, पूरी कॉलोनी यहाँ इकट्ठी है, ये देख सकते हैं आप। एक बार फिर बता दें आपको, डबुआ कॉलोनी का मामला है और डबुआ पाली रोड पर कोई साक्षी नाम की शायद कंपनी है, साक्षी टूल है क्या कंपनी है जिसमें ये काम करता था, और जहां आरोप है कि मालिक ने उसकी हत्या कर दी। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं मालिक पर कि मालिक ने उसकी हत्या कर दी। लगा रहे हैं, सही तो कह रहे हैं, जो वो मारो वही कह रहा हूँ कि परिवार वाले कह रहे हैं मालिक के चोदिया न्याना बुढ़ा में पता तो लगे क्यों मारा ऐसा क्यों मारो कड़ी खाए वो तो सबक के नहीं भंगी के चो देते नहीं वह मालिक आइए कड़ी खाए मारे गाय मार दे तब दूसरे की ला हमें तो खून के बदले खून लेंगे ला। गलती होती तो बताते कम से कम, गलती होती भत्ते चोरी करते तो भत्ते में मारने का क्या था। 16 साल का लड़का और तेने मार दो सामने भी आता, अगर गलती नहीं है तो सामने आता बताता सामने है। और अब लगन आए आयो वो है अभी भी नहीं आयो है बाप बुला पड़ी खाए देख सकते हैं आप। फरीदाबाद पूरी कॉलोनी यहाँ इकट्ठी हो चुकी है और इंसाफ की गुहार लगा रही है, कह रहे हैं जब तक उसके मालिक को नहीं बुलाओगे तब तक हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे। और आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसमें वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।